नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में देखना है मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी जो मेट्रोलॉजी में जो चैप्टर्स है उसमें इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी, स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट, ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने कवर किए हैं। उसके वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ पर देख सकते हो। तो अभी मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश मतलब क्या, उसका मेट्रोलॉजी में क्या काम है या मैकेनिकल इंडस्ट्री में क्या काम है, अगर वो कम ज़्यादा हुई तो क्या होता है, ये सारा इस पूरा मतलब उसको मेजरमेंट करना है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ क्वांटिटेटिव टर्म में आप मेजरमेंट करते हो या क्वालिटेटिव टर्म में करते हो, और फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट है तो उनकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग कैसे रहती है, वो सारा क्या करना है अपने को इस चैप्टर में देखना है। तो पहले क्या कर लेते हैं, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो कवर कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने का मैं कोशिश करता हूँ आपको। तो मैं आपको क्या करता हूँ, पहले दो एग्जांपल दे देता हूँ कि दो एग्जांपल्स क्या है। देखो, एक एग्जांपल है आपके ब्रेक शू का और एक एग्जांपल है आपके पिस्टन सिलेंडर का। तो अभी ब्रेक शू में क्या होता है, देखो अगर आपने ब्रेक शू नया नया बिठाया बाइक में तो क्या होता है, अगर आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो वो एकदम सडनली क्या होती है, बाइक आपकी स्टॉप होती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि आप ब्रेक अप्लाई करते हो लेकिन क्या होता है, ब्रेक डम से खाली एक नॉइज़ आता है और वो नॉइज़ आके गाड़ी तो रुकती नहीं है लेकिन वो नॉइज़ कंटिन्यू बस बढ़ते जाता है जैसे जैसे ब्रेक शू का वेयर आउट होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि ये कंसिडर कर लो, ये आपका ब्रेक ड्रम है और ये आपका ब्रेक शू है, तो ये दोनों में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं ब्रेक ड्रम को टच होके उसको फ्रिक्शन क्रिएट होके वो रुक जाता है, अपना गाड़ी बाइक रुक जाती है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअली आपको क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए तो वो हो नहीं रहा। अभी दूसरा एग्जांपल है पिस्टन सिलेंडर ब्लॉक का। पिस्टन सिलेंडर ब्लॉक में क्या होता है, आपको पता है कि एक सिलेंडर ब्लॉक रहेगा हॉलो, उसमें क्या होता है, पिस्टन आपका क्या होता है, रिस्पोगेट होता है और आपको पावर मिलता है। लेकिन ये जो पिस्टन का कंसिडर करें, सिलेंडर ब्लॉक का वॉल है और ये पिस्टन का वॉल है, इसमें होता क्या है कि ये वॉल और ये पिस्टन का वॉल, ये दोनों के बीच में मेटल टू मेटल कांटेक्ट कभी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इंजन ऑयल होता है आपका। लेकिन कंसिडर करो कि ये दोनों भी एकदम स्मूथ फिनिश में रहते हैं, तो फिर अभी कुछ वजह से क्या हुआ, ये दोनों का मेटल टू मेटल कांटेक्ट हुआ और ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन मतलब दोनों का कॉन्टैक्ट आ गया और उसको और इसका वियर होना चालू हो गया, तो इसके ऊपर क्या होते हैं, आपके स्क्रैचेस आते हैं और फिर आपका जो बाइक है वो क्या करता है, वाइट स्मोक देना चालू कर देता है। तो फिर आप मैकेनिक से पा के लेके गए तो वो क्या बोलता है कि आपका सिलेंडर ब्लॉक गया, तो आपको वो रिप्लेस करना पड़ता है। मतलब एक एप्लीकेशन ऐसा है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए, और एक जो है वहाँ पे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यही मेन अपने इसमें क्या है, मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश का इम्पोर्टेंस है। एक जगह पे बहुत ज़्यादा फिनिश चाहिए तो कुछ जगह पे आपको क्या होना चाहिए, फिनिश नहीं चाहिए। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था, उसमें और थोड़ा जो है वो बता देता हूँ मैं कि सरफेस फिनिश इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेक्सचर। ये किसे कैसे रिप्रेजेंट होती है, सरफेस टेक्सचर के हिसाब से रिप्रेजेंट होती है, आइदर रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस। अभी कैसा है, जब आप कोई पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो इंडस्ट्री में तो क्या होता है, आपको एक ये रहता है कि वो कैसे होना चाहिए मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर होते टाइम वो आपको ये है कि आपको पार्ट आपका कौन है, स्टेट होना चाहिए, लेकिन मतलब वो स्टेट नहीं मैन्युफैक्चर होता है क्या, उसमें क्या कुछ इरेगुलरिटी आती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सरफेस फिनिश कहते हैं। ऑन एनी सरफेस इंपरफेक्शंस और इरेगुलरिटीज आर बाउंड टू बी देयर, देयर आर इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव हिल्स एंड वैलीज। अभी ये जो आपका जो सरफेस है वो आपको परफेक्टली बाउंड रहना चाहिए लेकिन वो परफेक्टली बाउंड नहीं हो सकता, तो वो कैसे होता है, फिर उसमें सक्सेसिव हिल्स आते हैं और वैलीज आते हैं विच वैरी इन बोथ हाइट एंड स्पेसिंग। ये जो पीक्स एंड वैली जो है आपके, वो क्या होते हैं, स्पेसिंग और हाइट में दोनों भी डिफरेंस आ सकता है। कैसे, देखो अभी ये जो डिस्टेंस है ये स्पेसिंग बोलते हैं इसको, ये कम है तो ये जो स्पेसिंग है ये ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है तो इसकी हाइट ज़्यादा है, इसको क्या बोलते हैं, वेविनेस। इफ़ सरफेस इज टू रफ द इनिशियल वेयर पार्टिकल्स आर लार्ज एंड एक्ट एज एब्रेसिव एंड वेयर टेक्स प्लेस कंटिन्यूटी एट ए हायर रेट। मतलब क्या है कि देखो, अगर आपका दो सरफेस है,
ये दो सरफेस है, लेकिन अगर ये दो सरफेस के जो ऊपर वाले पॉइंट्स है वो अगर बहुत ज़्यादा मतलब नाइफ एज है तो क्या होगा, आपका जो वियर है, कंसिडर करो ये दोनों ऐसे एकदम शार्प एज्ड है, तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है आपका वो क्या हो जाएगा, पहले वियर आउट हो जाएगा। वियर आउट होने के बाद क्या होगा, वो यही पे रुक जाएगा, ऐसे ये जो पार्टिकल्स वियर आउट होंगे वो यहीं पे रुकेंगे और फिर ये क्या करेंगे, एज ए एब्रेसिव का काम करेंगे आपके इसमें। ठीक, सरफेस टेक्सचर का डेफिनेशन है, द कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ एन एक्चुअल सरफेस ड्यू टू स्मॉल डिपार्चर फॉर्म इज जनरल जियोमेट्रिक फॉर्म विच अकरिंग एट ए रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स टेंड टू फॉर्म ए पैटर्न और टेक्सचर ऑन द सरफेस। उनका डेफिनेशन कुछ इस तरह से कि आप जो परफेक्टली बाउंड सरफेस मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो ड्यू टू सम इरेगुलरिटीज वो क्या होते हैं, परफेक्टली बाउंड नहीं होते, उसमें कुछ आपको इरेगुलरिटीज आती है, वो इरेगुलरिटीज जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आती है या रैंडमली आती है। ठीक है, ऐसे ही ये इंट्रोडक्शन था मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश का। इसके आगे का जो वीडियो रहेगा उसमें क्या रहेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस फिनिश एंड एडवांटेज ऑफ सरफेस फिनिश।